हैप्पी तीज फ्रेंड्स, आज मैं अनु सिंगल लेकर आई हूँ सरप्राइजेस देने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका। आपको करवाना क्या है, तैयारी के नाम पे आपको सभी मेंबर्स को प्लेन चिट दे देनी है। उनसे ये कहना है कि आज तीज पे, तीज है हमारी 7 अगस्त की और फ्रेंडशिप डे है हमारा 4 अगस्त का, तो आज तीज और फ्रेंडशिप डे को हम मिला के आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं। ये बात आपको अपनी फ्रेंड से कहनी है और उनसे कहना है कि यहाँ बैठे लोगों में से किसी भी एक फ्रेंड का नाम आपको अपने पेपर पे लिख लेना है। सपोज, लेकिन कंडीशन क्या है, वो फ्रेंड आपकी वहाँ उस प्रोग्राम में, आपकी किटी में बैठी भी होनी चाहिए। कोई किसी का नाम लिख लेगा, कोई किसी का लिख लेगा, कोई किसी का लिख लेगा। जब सभी लोग एक एक फ्रेंड का नाम लिख लें वहाँ बैठे लोगों में से, उसके बाद आपको सरप्राइजेस बोलना शुरू करने हैं। सरप्राइजेस आपको वही कॉमन मैंने रखे हैं जो जनरली हम लोग रखते हैं, साड़ी पहनी हो, दुपट्टा हो, दोनों हाथों में चूड़ी हो, टीका हो, मंगलसूत्र हो, इस टाइप से मैंने कॉम्बो बना लिए हैं सरप्राइजेस के। हर सरप्राइज में 2 सरप्राइजेस मिक्स करके मैंने ये बनाए हैं। अब जैसे किसी भी एक मेंबर की चांस आई, इसके बाद आप चिट लेके जाएंगे, जो ये सरप्राइज आपको सब चिट की फॉर्म में कर लेनी है। मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको इन सरप्राइजेस को चिट की फॉर्म में कर लेना है। होस्ट पाउच में से एक चिट निकलवाएगा एक मेंबर के पास जाके, सपोज उसमें लिखा है टीका और मंगलसूत्र। अब मेंबर के पास जो फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है उसका चेक करा जाएगा कि उसकी फ्रेंड ने टीका और मंगलसूत्र लगाया है या नहीं। यानी आज आपको सरप्राइज आपकी वो फ्रेंड दिलवाएगी जो वहां बैठी हुई है, जिसका नाम आपने अपनी चिट के ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर आपकी फ्रेंड बहुत सज धज के तैयार हो गए तीज के हिसाब से आई है, तो कोई ना कोई सरप्राइज वो आपको जितवा देगी। और लेकिन अगर वो फ्रेंड बिल्कुल प्लेन सादी चली आई है, कई बार हमारे मेंबर्स ऐसे ही आते हैं, तो फिर आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। बिल्कुल फनी तरीका मैंने आपके लिए तैयार करा है। अब ये आपकी गैदरिंग पर डिपेंड करता है कि अगर आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग सज धज के आए हों तो आप कॉम्बो रखिए। अगर आपके उसमें आधे लोग आपको बताए कि ऐसे ही आएंगे, कोई 2-4 सज धज के आएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों काम आप और आपकी फ्रेंड मिलके करें। अगर आपकी फ्रेंड ने एक मंगलसूत्र लगाया हुआ, टीका आपने, तो भी गिफ्ट आपका। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी फ्रेंड ने रखकर रखी है तो भी गिफ्ट आपका। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज़ आपकी फ्रेंड ने नहीं कर रखी है तो फिर सरप्राइज आपको नहीं मिलेगा। मेंबर दूसरे मेंबर के पास जाएगा, कोई सरप्राइज बोलेगा कि मेहंदी में झूला बनाओ, साजन का नाम लिखा हो, किस फ्रेंड का नाम है, उसने क्या तैयारी करके आई हुई है, और क्या पता उसने पायल और ये अंगूठी पहनी हो और उसकी चिट खुली मेहंदी में। तो सब कुछ सरप्राइजेज आपको अगर 3-4 देने हो तो आपको 8-10 लिखने पड़ेंगे, तभी आप सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं अपनी किटी में, अपने तीज के प्रोग्राम में। तो ये इस टाइप से मैंने आइडिया आपके साथ शेयर कराए, मस्त आइडिया है। सब लोग सोचेंगे काश मैंने उस मेंबर का नाम लिखा होता जो बहुत सच के आया हुआ है, क्योंकि जिसकी भी चिट, जिसने भी उसका नाम लिखा होगा, वो उसे तो कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल ही जाएगा। तो जितने सरप्राइज आपको देने हो उससे ज़्यादा आप लिखिए, कुछ अंदाज हटके आपके लगाओ। तो अनु सिंगल की टीम सब्सक्राइब करें बिना कहीं ना जाएं, लाइक जरूर कर दें। डेली इसी टाइप के इनोवेटिव आइडियाज बिना तैयारी के आपके लिए लेकर आए।